नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। होली से पहले बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि बिहार सरकार ने 79 करोड़ 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं और इसका सीधा फायदा पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है और क्या कुछ फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि होली के पहले पंचायती राज विभाग ने निर्वाचित पंचायत जन प्रतिनिधियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पंचायती राज विभाग ने इन पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन मद में 79 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और साथ ही ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया सदस्य और साथ ही ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच को नियत मासिक भत्ता कुल राशि 79 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति दे दी है। बता दें कि इस राशि की स्वीकृति के बाद अब सभी पंचायत प्रतिनिधियों को होली के पहले वेतन मिल सकता है। ऐसे में अब होली के पहले वेतन मिलने से पंचायत प्रतिनिधि भी राहत महसूस करेंगे। बता दें कि बिहार में पिछले साल दिसंबर महीने में पंचायत चुनाव समाप्त हुआ, जिसके बाद राज्य भर में अलग अलग पदों पर पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं। ऐसे में बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों के पद के हिसाब से उन्हें अलग अलग राशि दी जाएगी। जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपए, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रुपए, पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 रुपए, पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 रुपए, ग्राम पंचायत मुखिया को 2,500 रुपए, ग्राम पंचायत उप मुखिया को 1,200 रुपए, ग्राम कचहरी सरपंच को 2,500 रुपए, तो वहीं ग्राम कचहरी उप सरपंच को 1,200 रुपए, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपए, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपए, ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रुपए, ग्राम कचहरी सदस्य को 500 रुपए की राशि दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालक जिला परिषद राशि की निकासी कर जिला परिषद, पंचायत समिति और साथ ही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के खातों में स्थानांतरित करेंगे। संबंधित जिला के पंचायत राज पदाधिकारी, ग्राम कचहरी के सरपंचों और पंचों के बैंक खाताओं में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। तो बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह बड़ा तोहफा होली से पहले बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें राशि आवंटित कर दी गई है और साथ ही साथ होली से पहले उनके खाते में पैसे भी पहुंच जाएंगे। तो बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अलग अलग जगहों पर जो मुखिया है, जो सरपंच है, वो चुने गए हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें होली से पहले बिहार सरकार ने ये बड़ा तोहफा देने की बात कही है और यही वजह है कि होली से पहले ही उनके वेतन उनके खाते में मिल जाएंगे, जिसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो भी देखने को मिल रही है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।